Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. So let us continue with the part 2 of the polity section, जो कि हम Vision IAS की monthly current affairs की magazine December month को कर रहे हैं. उसका part 1 already upload हो चुका है. Now we are talking about the part 2, that means the pending topics. So the pending topic starts with the 1.7, that is the expulsion of the lawmakers. दो या तीन topics बचे थे and then the news in shorts. Rest we had completed in the part 1. So let's talk about the expulsion of the lawmakers. What happened recently in Lok Sabha of India, or we can say that Lok Sabha of India has expelled one of its members. Why? That member was basically accused of accepting the gift and illegal gratification. So agar koi bhi member, yani ki parliament ka koi member hai, agar wo koi bhari amount ka paisa kisi se accept kar raha hai, और इलीगल ग्रेटिफिकेशन और गिफ्ट के फॉर्म में अगर कोई पैसा या कोई भी चीज एक्सेप्ट कर रहा है, सो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग. सो दैट मेंबर हैज बीन एक्सपेल्ड. सिमिलरली एट द सेम टाइम यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, उन्होंने भी अपने एक मेंबर को एक्सपेल किया है क्रिमिनल करप्शन चार्जेस पे. तो ये मेंबर ऑफ जो मेंबर एक्सपेल्शन होता है लोकसभा के अंदर, चाहे इंडिया में हो या यूएसए में हो, वी विल हैव अ लुक ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लोकसभा ऑफ इंडिया. लोकसभा ने क्या किया, एक एथिक्स की कमिटी बनाई है टू क्वेश्चन और प्रोब इन द मैटर ऑफ करप्शन एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और द कंटेम्प्ट ऑफ हाउस. अगर कोई करप्शन का केस हो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस हो या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो, उन सबके साथ क्वेश्चनिंग का काम करता है या फिर उन सबके साथ डील जो करता है, दैट इज द एथिक्स कमिटी. सो द एथिक्स कमिटी की जो रिपोर्ट है लोकसभा के लिए, they have found the member guilty of unethical conduct and the contempt of house. और जो house है, it has accepted the conclusion of the committee और बाद में एक motion pass किया गया that supported her expulsion as a member of the parliament. So I repeat, India के अंदर लोकसभा में एक ethics की committee बनाई जाती है जो कि corruption का matter, breach of privilege या फिर contempt of house, इन सभी मैटर्स के साथ डील करता है एथिक्स कमेटी. तो इस मामले के अंदर भी जो एथिक्स की कमेटी बनाई गई थी, उसने बोला कि ये जो फलाना मेंबर है वो गिल्टी है ऑफ अनएथिकल कंडक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंदर, और पार्लियामेंट ने इनकी कंक्लूजन को एक्सेप्ट किया है और एक रिजोल्यूशन और एक मोशन पास किया है और उस मेंबर को एक्सपल्शन का ऑर्डर दिया गया है. तो दैट मेंबर हैज बीन एक्सपेल्ड और सॉरी एक्सपल्शन हो चुका है उन मेंबर का. यूएस में बात करते हैं तो वहां पे जो एथिक्स कमिटी है, इट रिपोर्ट इन द यूएस फाउंड द यूएस लॉ मेकर गिल्टी ऑफ करप्शन एंड मिस स्पेंडिंग कैंपेन मनी, आफ्टर विच द हाउस हैज एक्सपेल्ड हिम बाय अडॉप्टिंग अ मोशन. तो बेसिकली ऑलमोस्ट द सेम थिंग विच हैपेंड. एक्सपल्शन के जो लॉ मेकर्स हैं इंडिया में, उसके बारे में देखते हैं. द एक्सपल्शन ऑफ एन एमपी इन इंडिया, इट केम टू बी इन कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल बेसिस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में आप किसी भी मेंबर का एक्सपल्शन करते हो, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है, प्लस लीगल बेसिस भी है. यानी कि जो आपके पास हाउसेस के रूल्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो रूल्स रेगुलेशन रिटन है, उसके अंदर भी एक्सपल्शन मेंशन है. सो इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्लस द लीगल बेसिस एज वेल. सो व्हाइल द रूल्स ऑफ द हाउसेस प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ एमपीज, मेंबर कैन ऑल्सो बी एक्सपल्ड थ्रू दीज रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करते हैं, यानी एमपी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो गिल्टी है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की वजह से या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की वजह से, तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हो हाउस से और उसका एक्सपल्शन कर सकते हो. दोनों में डिफरेंस है. देर इज वन टर्म दैट इज द सस्पेंशन ऑफ एन एमपी एंड देर इज एन अनदर टर्म दैट इज एक्सपल्शन ऑफ एन एमपी. व्हेन यू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो एक तरह से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको एक लीगल इम्यूनिटी दी जाती है कि जब तक वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, तो उनके खिलाफ अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग हो रही है या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसके खिलाफ उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, इम्यूनिटी दिया जाता है फॉर सर्टन एक्शंस डन और स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव ड्यूटीज. अब यहाँ पे आर्टिकल 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, it deals with the powers and privileges of both the houses of parliament and its members and committees. Constitution ka article 105 Lok Sabha aur Rajya Sabha in dono hi houses ke powers aur jo privileges hai unke sath deal karta hai. Article 194 outlines the corresponding powers
privileges and immunities of state legislatures and their members and committees. Contempt of house is defined as any. अब आप बोलोगे what is contempt of court? Contempt of court यानी कि supreme court का भी होता है, high court का भी होता है. When you talk about the contempt of house, यानी आप कोई ऐसा action कर रहे हो जो कि या तो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का आप उसको इम्पीड कर रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस को रोक रहे हो, फंक्शन को इम्पीड कर रहे हो, या फिर यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी मेंबर और ऑफिस ऑफ सच हाउस एंड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, आप उनको अपनी ड्यूटी पूरा नहीं करने दे रहे हो. सो विच हैज अ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस सच रिजल्ट, तो वो आएगा आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंदर. तो पार्लियामेंट एक सोल अथॉरिटी है टू असर्टेन इफ देर हैज बीन अ ब्रीच और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस. No court is entrusted with this power. When we talk about Article 122 of the Indian Constitution, so parliamentary proceeding can't be questioned by the judiciary. So Article 122 के हिसाब से कि कोई भी parliamentary proceeding है उसको judiciary question नहीं कर सकती है. Although कुछ cases है जहां पर court वहां पर intervene कर सकती है. For example, राजा रामपाल केस आया था 2007 का. इसके अंदर जो court है उन्होंने कंफर्म किया एक्सपल्शन ऑफ द राजा रामपाल, बट नोटेड दैट जो प्रोसीडिंग्स है टेंटेड बाय सब्सटेंशियल इलीगलिटी, दे आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी इनकी जो भी प्रोसीडिंग हो रही है वहां पे जुडिशियरी जो है स्क्रूटनी कर सकती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड यूएस का जो एक्सपल्शन होता है. अगर इंडियन प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन के बेसिस की बात करते हैं तो कौन सी कंडीशन पे हो सकता है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, contempt of house, disregarding the rules, procedures and conduct of business. US के केस में कोई limitation नहीं है congressional powers में कि वो किस तौर पे determine करेगी. India के अंदर simple majority की जरूरत होती है, US में आपको चाहिए 2/3 majority. Ethics committee जो है इंडिया में हमेशा जरूरत होती है, US में it is not required all the time. Disqualification, A total of 17 MP जो है अभी तक expelled कर चुके हैं और वहां पे आपके पास 6 ऐसे members हैं जो कि expelled कर चुके हैं. Now if we talk about the legal basis of suspension and expulsion of the MPs, यानी कि जो rules and regulations है लोकसभा और राज्यसभा की वहां पे कहां लिखा हुआ है. लोकसभा के केस में जो rule 373 है वो presiding officer यानी कि लोकसभा के केस में speaker को, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को ये पावर देता है कि वो किसी भी एमपी को ऑर्डर दे सकता है टू रिमेन ड्यूरिंग द रिमेंडर ऑफ द डेज सिटिंग. रूल 374 बोलता है दैट इट अलाउस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू नेम द लेजिस्लेटर एंड देन अ मोशन कैन बी मूव्ड टू सस्पेंड द एमपी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमेंडर ऑफ द सेशन. सिमिलरली इसी का रूल 374A जो है जो कि 2001 में आया था, It allows the speaker to name an MP who will then automatically stand suspended for 5 days. अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पे है आपके पास रूल नंबर 255. It allows the chairman to direct any member to withdraw immediately from the house for disorderly conduct. Rule 256 is one and the same thing. So these are the rules जिसके according we can say that legal proceedings भी हो सकती है. तो यहाँ हमने देखा constitutional basis पे था और लीगल बेसिस पे था जिसके थ्रू आप किसी भी मेंबर को एक्सपल्शन की तरफ भेज सकते हो. अब उसी के साथ एक और है कि किसी भी हाउस का जो मेंबर है उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो और कहाँ कहाँ है. एक आपके पास आर्टिकल 102 जो है वो बात करता है प्रोवाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अंडर सर्टन कंडीशन. पहला, अगर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के साथ मिलता है, अनसाउंड माइंड के साथ है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट. Criteria for the disqualification under the Representation of People Act 1951. अगर कोई भी person disqualified होता है, if convicted and sentenced to the imprisonment for 2 years or more, अगर कोई MP guilty है of an election offence, plus 10th schedule, very very important, that is 10th schedule, 52nd constitutional amendment से आया था, जो कि anti-defection के बारे में बात करता है. This is also one of the provision जहां पे आप किसी भी MP को disqualify कर सकते हैं. Now the next topic is about the National Cadet Corps, यानी कि NCC. ये बहुत ही लार्ज नंबर में एक यूनिफॉर्म्ड यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है. अभी इसकी 75th एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट किया गया. सो अबाउट द NCC, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द नेशनल कैडेट कॉर एक्ट ऑफ 1948. इससे पहले इस कमेटी को हेड किया गया था बाई पंडित एच एन कुंसरू.
It recommended a cadet organization to be established in the schools, colleges at the national level. So what are the aims of the NCC? To create, organize, trade and motivational youth. As the youth, जो ज्यादा से ज्यादा अपनी career opportunities को armed forces के अंदर भी choose करें, जैसे कि army है, navy है, air force है. To develop such character, commandership, leadership quality, discipline quality. Tri services organization के तौर पे ये काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे army, navy और airmen, these three work all together. इसका headquarter जो है New Delhi में. अभी तक का इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडो चाइना वॉर जो हुआ था 1962 और इंडो पाक वॉर प्लस द कारगिल वॉर, इन सभी के टाइम पे दे ऑल असिस्टेड इन द स्टेट्स, जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स जो है, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस, इन सभी के अंदर, प्लस सोशल सर्विस जैसे कि स्वच्छता ही सेवा, जैसे जो इवेंट्स है वहां पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना योगदान दिया है. So there is a comparison between the NCC cadets and the NSSS cadets. जो NCC cadets होते हैं वो basically Ministry of Defence के अंदर आता है, जबकि जो NSS होता है वो Youth Affairs और Sports के अंदर आता है. NCC 1948 में बना था, NSS 1969 में बना था. इसका aim क्या है? To force a disciplined, selfless youth leadership for national service and military careers. और जब हम NSS cadets के बारे में बात करते हैं, ये स्टूडेंट की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है कम्युनिटी सर्विस के जरिए, राइट? यहाँ पर नेशनल कैडेट कोर पर एक्ट आ जाएगा और ये एक सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है वो आ जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज इन शॉर्ट. लोकायुक्त जो है, अभी अभी जो महाराष्ट्र है उन्होंने एक बिल जो है लेके आया है, दैट इज द महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल. इससे पहले इनके पास था महाराष्ट्र लोकयुक्त और उपलोकयुक्त एक्ट ऑफ 1971. तो महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट था जिसने लोकायुक्ता को स्टैब्लिश किया. उसके बाद आपके पास था उड़ीसा. तो ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है. इसका जो ओरिजिन है आप मान सकते हो कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां पर ओम्बड्समैन होता है. 1966 पे पहली जो ARC कमेटी बनी थी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमेटी बनी थी, उन्होंने बोला था, रिकमेंडेशन दिया था कि हमको सेंट्रल लेवल पे एक लोकपाल बनाना चाहिए और स्टेट लेवल पे जो है लोकायुक्त बनाना चाहिए. और इसी के साथ 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट है वो लाया गया, जो कि एंटी करप्शन के साथ डील करता है. अब इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इन दोनों ही स्टेट ने लोकायुक्त और जो उपलोकयुक्त है उसको स्टैब्लिश किया, बट यूपी, हिमाचल प्रदेश, उन्होंने सिर्फ लोकयुक्त को बनाया है और उपलोकयुक्त को नहीं बनाया. तो यहाँ पे गवर्नेंस को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है आ जाती है. अब यहाँ पे बात हो रही है इम्पीचमेंट इन द यूएस एंड इंडिया. हम लोग कंपैरिजन पर ना जाते हुए सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आप प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 61. कौन से ग्राउंड पे? दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो चार्जेस है वो किसी भी हाउस में आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन वो कम से कम एक चौथाई मेंबर्स जो है उसको साइन करना चाहिए. वोटिंग के लिए इसमें रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप की यहाँ पे वोटिंग की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. देन देयर इज अ स्मॉल न्यूज, दैट इज द 2 bills ऑन द जम्मू एंड कश्मीर. इनको प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो यहाँ पे मिल चुका है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023. इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का रिजर्वेशन एक्ट आया था 2004 का. इट अमेंडेड दिस एक्ट विच प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑन द जॉब्स एंड एडमिशन इन द प्रोफेशन टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. जो अमेंडमेंट्स है ये क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करता है वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस को. इसी के साथ जो डेफिनेशन है ऑफ वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस ये डिलीट कर दिया गया है इसी एक्ट से. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2023 का, ये अमेंड करता है ये पुराना जो 2019 का एक्ट है उसको. इस जो नया अमेंडमेंट वाला एक्ट है इसमें की हाईलाइट्स की बात करते हैं. उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, पहले 107 थी, अब बढ़ा के 114 कर दी गई है. और इसी के साथ जो 24 सीट है वो वेकेंट रखी जाती है हमेशा, और 24 नहीं, पहले कुछ और थी बट अभी 24 है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जब वो पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, ये उसको नजरअंदाज में रखते हुए इसको वेकेंट रखा जाता है. रिजर्वेशन है 7 सीट्स का फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 9 सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब. इसी के साथ नॉमिनेशन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अप टू 2 members फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटीज है उनके लिए, और जो 1 member है जो कि डिस्प्लेस्ड पर्सन माने जाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की तरफ से. और अंडर द एक्ट ऑफ SEBC इंक्लूड पीपल रिजाइडिंग इन विलेजेस
declared as socially and educationally backward classes. Then this is Post Office Act, which is nothing to know about. It is very easy. You must know about the Gram Manchitra, जो आपके पास मिनिस्ट्री है पंचायती राज की. ये ग्राम मानचित्र को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए ताकि हम जितने भी ग्राम पंचायत है उनका स्पेशल प्लानिंग कर सके. ठीक है, ग्राम मानचित्र क्या है? ये एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च करी गई है 2019 के अंदर. ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स जो सेंटर है उन्होंने इसको डेवलप किया है. इट हेल्प टू परफॉर्म द स्पेशल प्लानिंग एट द ग्राम पंचायत लेवल विद द यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी. इसी के साथ अगर हम इराटा के बारे में बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स. ये अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन है उसके अंदर डिटेल में सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. ये बहुत एक छोटा सा सेशन था पार्ट टू का, बिकॉज माई थॉट इज नॉट वेल, आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इन वन गो, सो आई रिकॉर्डेड इन द टू पार्ट. सो हियर वी आर डन विद द पॉलिटिक्स सेक्शन. नाउ वी विल कम्प्लीट द इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट टू जो है इसका. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिटी. In the next video, we will be completing the international relation and we will try ki wo ek saath yahan pe ho jaye. Okay, so thank you so much.